हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अविनाश और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो और उसमें आप हर जगह अगर क्लिक लिसनर लगाना है आपको, तो आप क्या करते हो कि उसकी आईडी को लेके कॉल करते हो एंड देन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर जो मेथड होता है बाय डिफॉल्ट में, उसको कॉल कर रहे होते हो आप। ओके, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्रॉपर और प्रोफेशनल वे बताता हूँ क्लिक लिसनर लगाने का, जिससे कि आप एक जगह सारे के सारे क्लिक लिसनर मैनेज कर पाओगे। ओके, तो उसके लिए मेरे पास ये एंड्रॉयड स्टूडियो का एक प्रोजेक्ट है जो एमपीटी पड़ा हुआ था, ठीक है, इसी में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बटन यहाँ पर लगा लेते हैं। ओके, तो मैं कॉन्स्टेंटली आउट यूज़ कर रहा, आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इसको मैच पेरेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि कुछ आईडी हम सेट कर देते हैं इसकी। ओके, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बटन है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको बटन वन, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या करते हैं कि और भी बटन्स हम बना लेते हैं और उसको कॉन्स्टेंट करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे करके दो तीन, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। सबकी आइडिया गेन हम सेट कर देंगे यहाँ पे, बटन वन है ये एंड ये है बटन टू और ये थ्री, और ऐसे ही आप जितना, मैं इसलिए ऐसा करके आपको बता रहा ना क्योंकि जैसे एक अगर मान लो कि मैं आपको करके बता देता हूँ और आपको अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट में अगर मैनेज करना है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप सोचोगे कैसे मैनेज करें कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन लेवल के लिए काफ़ी सही रहती है चीज़ें। ओके, काफ़ी कोड आपका क्लीन रहता है और कोई भी डेवलपर रहता है तो आसानी से देख के बता सकता है कि हाँ आपने क्या किया है, ठीक है। अगेन आपको क्या करना है कि मैं डेटा बाइंडिंग का इसमें यूज़ करूँगा, डेटा बाइंडिंग मेरे प्रोजेक्ट में इनेबल नहीं है। उसको इनेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्ड आउट ग्रेडल में जाते हैं, ठीक है, और थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी रहती हैं। यहाँ पर आपको लिखना है बिल्ड फीचर्स, FEA फीचर्स, ठीक है, और इसके अंदर आपको डेटा बाइंडिंग और व्यू बाइंडिंग दोनों इनेबल कर लेना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेटा बाइंडिंग इक्वल्स टू ट्रू और यहाँ पे आपको लिखना है व्यू बाइंडिंग और इसमें इक्वल्स टू नहीं लगाना है, आपको ऐसे लिखना है ट्रू, ठीक है। इतना करने के बाद से हम क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लेते हैं। ओके, तो जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट सिंक हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर चलते हैं अपने इसके अंदर, ठीक है, और किसी भी लेआउट को अगर डेटा बाइंडिंग लेआउट में आपको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है। अगर आप पहले से कर रहे हो तो आपको पता होगा, नहीं पता है आपको तो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने XML लेआउट पे जाओ, जाने के बाद से आपको क्या करना है कि ये जो आपका लेआउट है ना, इस पर आपको क्या करना है, ऑल्ट इंटर प्रेस करना है, ठीक है। ऑल्ट इंटर प्रेस करने के बाद से वहाँ पर ये खुद कहता है कन्वर्ट दिस लेआउट इंटू डेटा बाइंडिंग लेआउट, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि फिर से अगेन इंटर हिट करना है, करने के बाद से आपका जो ये लेआउट है ये डेटा बाइंडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि इसको अपने प्रोजेक्ट को इसके अंदर हम बाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ मेथड्स आ रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्रॉमिस इसको करते हैं कि हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे, मतलब कि इनिशियलाइज़ कराते हैं अपने लेआउट को। ओके, अब यहाँ पे अगर आपका सवाल ये है कि मैं डेटा बाइंडिंग का क्यों यूज़ कर रहा, ओके, तो जो सबसे बड़ा रीज़न होता है डेटा बाइंडिंग को यूज़ करने का वो ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, ऐसा भी होता है कि जैसे आप क्या कर रहे होते हो कि जैसे दूसरे लेआउट के एट्रीब्यूट को आप टारगेट कर रहे होते हो, ओके, और आपको एरर मिलता है नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। तो ये वाला एरर इसी के वजह से आता है कि आपको नहीं पता होता कि आप किस लेआउट के अंदर से, अगर आपने आईडी प्रॉपर दे रखी है, मतलब कि छोटा प्रोजेक्ट है आपका तो ठीक है चल जाता है, ओके, लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप फिर टॉक्सिक हो जाता है वो, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम जनरेट करता है। तो अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर ऑल्ट इंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारे पास कन्वर्ट टू डेटा बाइंडिंग लेआउट। ओके, हमको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद से हमारा जो लेआउट है ये डेटा बाइंडिंग लेआउट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ये डेटा बाइंडिंग लेआउट
अभी तो आप देख रहे हो इसके अंदर डेटा का टैग मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और आपको सीखना ही सीखना चाहिए, ठीक है। किसी और वीडियो में जब डेटा बाइंडिंग हम लोग कवर कर रहे होंगे तो हम लोग इसको बहुत ही ब्रीफ में कवर करेंगे। अभी के लिए आपको इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी नहीं है, बस आपको करना क्या था कि इसको डेटा बाइंडिंग लेआउट में कन्वर्ट करना था, ठीक है। अब डेटा बाइंडिंग में हमारा लेआउट जो है कन्वर्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसको अपने इस सेट कंटेंट व्यू है इसके साथ बाइंड कर देते हैं। उसको बाइंड करने के लिए सिंपल से हम क्या करते हैं यहाँ पे कि लेट इन इट वेयर बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग। और ये क्या करता है ना कि जैसे जब आप किसी लेआउट को डेटा बाइंडिंग लेआउट में कन्वर्ट करते हो ना, तो आपके जो लेआउट का नाम होता है, जैसे मेरे लेआउट का नाम है एक्टिविटी अंडरस्लैश मेन, ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक नाम, नया नाम जनरेट कर देता है, ठीक है। वो नाम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक्टिविटी मेन है तो यहाँ पे आएगा एक्टिविटी मेन, लास्ट में बाइंडिंग हो जाता है, ओके। आप देखो यहाँ पे एक्टिविटी एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। वैसे ये अगर आपका कोई भी कुछ भी नाम होता है लेआउट का, तो यहाँ पे उसका नाम नया जनरेट हो जाता है, बस उसके नाम के आगे मतलब कि बाइंडिंग जुड़ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम इसको बाइंड करने के लिए यहाँ पे इसी बाइंडिंग का यूज़ करते हैं, मतलब इनिशलाइज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड मिलता है डेटा बाइंडिंग यूटिल करके, ठीक है, डॉट। अब इसको क्या करते हैं कि हम इसके साथ हमने क्या किया कि डेटा बाइंडिंग यूटिल डॉट सेट व्यू, इसको करने के बाद से अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हम पास कर देते हैं इसका, ओके। इतना करने के बाद से अब हमारा जो लेआउट है ये डेटा बाइंडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके फ़ायदे क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि आपको किसी भी मतलब इस लेआउट के अंदर, ओके, किसी भी चीज़ को टारगेट करना है, तो आप सिंपल से लिखते हो क्या बाइंडिंग डॉट, और यहाँ पे देख सकते हो कि आपके जितने भी वो हैं मतलब कि एट्रीब्यूट्स हैं, आपने जितने भी बटन्स एडिट टेक्स्ट कुछ भी अगर आपने यूज़ कर रखा हुआ है इसके अंदर, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और ये बहुत इजी टू मैनेज हो जाता है, ओके। हमें देखना था कि हम क्लिक लिसनर कैसे हैंडल करें, ओके। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ कि हम लोग ओल्ड तरीके से कैसे इसको करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बाइंडिंग डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, जैसे मान लो कि हमको बटन वन पे लगाना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। तो ऐसे अगर मुझे सब पे लगाना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे जनरेट करूँगा ये मेथड, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये बहुत पुराना हो चुका है, अब मैं आपको कुछ नया सिखाता हूँ इसमें, ओके। आपको इनहेरिट करना है एक मेथड व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। आप जब इसको यहाँ पे इनहेरिट कर दोगे ना, तो यहाँ पे ये कुछ आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेगा, आपको ऑल्ट इंटर प्रेस करना है एंड इंटर कर देना अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड क्रिएट हो जाएगा आपका ऑन क्लिक का, ठीक है, एक मेथड ओवरराइड हो जाएगा यहाँ पे, ओके, ये ओवरराइड हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे व्यूज़ हैं, ठीक है, उसके आईडी के ज़रिए हम टारगेट करेंगे कि किस पे जो यूज़र है वो क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले, उससे भी पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे binding.button1.setOnClickListener, ठीक है, और यहाँ पे दिस पास कर देते, ठीक है। तो इसका एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ हम इसको बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसको करने के बाद से हम यहाँ पे नीचे नीचे करके और भी जितने भी हमारे पास बटन 2, 3 जितने भी हैं, हम सबका यहाँ पे कर देते हैं बटन 2, 3, बटन 4 और भी है हमारे पास, 4 ही बटन है, ठीक है। इतना करने के बाद से अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो इस मेथड के पैरामीटर में हमको जो चीज़ मिली है यहाँ पे, इसको व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर अगर आइटम में कन्वर्ट करना चाहे तो आइटम में कर सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैन का यूज़ करेंगे, और इस आइटम के ज़रिए हम जितने भी आईडी हैं, यहाँ पे आईडी हमको मिल जाता है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो इसको करने के बाद से अब हम क्या करेंगे कि देखो, एक तो तरीका है कि r.id.
तो इसका आप ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपल से ये वाला तरीका यूज़ करूँगा, बाइंडिंग वाला। ये मुझे काफ़ी सही लगता है, ठीक है, और टारगेट भी हो जाता है। नहीं तो अगर आर डॉट आई डी डॉट आप अगेन करते हो इस प्रोजेक्ट में, तो अब क्या होगा ना कि जैसे फिर से आप वही क्या कहते हैं, दूसरे लेआउट की चीज़ों को आप टारगेट कर लोगे, फिर से नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस वाली एरर आ जाती है। ठीक है, तो डेटा बाइंडिंग यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो हमने डाल दिया, जैसे मुझे टारगेट करना है बाइंडिंग डॉट बटन वन को, तो हम क्या करेंगे, उसकी आईडी को यहाँ पे लेंगे। अगर उस आईडी पे, उस बटन पे कोई क्लिक करता है, तो हम क्या करेंगे कि टोस्ट जनरेट करते हैं एक्चुअली। ओके, इस पर आप जो ऑपरेशन करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ये अपने प्रोजेक्ट में मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी हैंडी है ये। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है ना कि ये एक साइड में, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या अलग अलग फंक्शंस क्रिएट कर देते हैं, ताकि इसके अंदर ये हो रहा है इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीका होता है और ऑर्गेनाइज रहता है हमारा कोड। ठीक है, वैसे ही ये भी है, इसमें कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है आप देखो। अब जिसको भी आपको टारगेट करना है, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर पास कर देता हूँ। ठीक है, अब जिसको भी टारगेट करना है, जैसे मान लो कि हमने बटन वन क्लिक हुआ, ठीक है, वैसे ही मुझे और भी चीज़ों को टारगेट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाइंडिंग डॉट और यहाँ पे बटन टू को मैं टारगेट कर दूँगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या करेंगे कि टारगेट करेंगे, टोस्ट हम कर देते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिस। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप फ्रेगमेंट भी यूज़ करते हो तो यही तरीका काम करेगा, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, सिंपल से डेटा बाइंडिंग के साथ आपको खेलना है, बाइंडिंग डॉट टू थ्री और यहाँ पे इसकी आईडी को अगेन हम टारगेट करेंगे। ओके, देखो मैंने इसलिए आईडी इतना सारा ले रखा है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, मैं चाहता तो एक में ख़त्म कर सकता था, लेकिन नहीं। ओके, ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाए और सवाल वाले झंझट ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बटन फोर डॉट आई डी ऐसे हमने करके देखो इतने सारे बटन्स बना लिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये बन गया और ये हमारा जो है क्लिक रेडी है। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये देखो कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है सारी चीज़ें, बटन वन, बटन टू, बटन थ्री, बटन फोर। ठीक है, अगर किसी फंक्शन को आपको टारगेट करना है इसके अंदर, तो आप भी बहुत आराम से कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे नॉर्मल क्लिक लिस्टनर लगता है भाई, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये प्रॉपर तरीका हो जाता है। ओके, और भी तरीके हैं, जैसे कि जब हम लोग डेटा बाइंडिंग यूज़ कर रहे होंगे तो उसको व्यू मॉडल के जरिए हम लोग उसको एक्सेस करेंगे और क्लिक लिसनर सेट करेंगे। ठीक है, तब आपको यहाँ पे इतना चोचला करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिंपल से आप क्या करते हो कि व्यू मॉडल में आप सारा चीज़ करते हो। ओके, डेटा बाइंडिंग के जरिए वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, ठीक है, और मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे उसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। फिलहाल इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। ओके, सो आप देख सकते हो कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन हो गया है अब। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो कि बटन वन टू थ्री सारा का सारा है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि एक एक करके सब पे क्लिक करते हैं, तो आप देखना, जैसे बटन वन पे क्लिक किया तो बटन वन आया, बटन टू पे क्लिक किया तो बटन टू, थ्री पे थ्री एंड फोर पे फोर। आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से हम लोगों ने हैंडल किया है। ठीक है, मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ दोबारा से, ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट में डेटा बाइंडिंग इनेबल करना है। डेटा बाइंडिंग इनेबल करने के लिए आपको बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना है। जाने के बाद से ये सेम टू सेम आपको छाप लेना है, आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, उसके बाद से सिंक कर लेना है आपको। करने के बाद आप बेसिक सा एक लेआउट डिज़ाइन कर लो, जैसे कि मैंने किया है। आप किसी भी लेआउट का यूज़ कर सकते हो, कॉन्स्टेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, कोऑर्डिनेटर लेआउट, जितना लेआउट है सब यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद से आपको डेटा बाइंडिंग इनेबल करने के बाद से आपको उस लेआउट को यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। उसके बाद से जो हमारा ये क्लास है इसके साथ इसको बाइंड कर देना है। बाइंड करने के बाद से आप, क्योंकि आपने जो यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया है, ठीक है, उसके ज़रिए आपको क्या करना है कि जो भी हमारा वो है
बटन से उस पर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा के इसका इंस्टेंस यहाँ पे पास कर देना है, कॉन्टेक्स्ट इसका पास कर देना है। करने के बाद से आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड करना है आपको, इनहेरिट करना है इसके साथ व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। इसको करने के बाद से आपको यहाँ पे एरर दिखेगा, उसको क्या करने के आपको ऑल्ट इंटर प्रेस करके एक मेथड बोलेगा ऑन क्लिक इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। उसको करने के बाद से यहाँ पे जो इसके पैरामीटर में P0 मिलेगा आपको, कुछ भी मिल सकता है उसको, आपको आप चाहो तो रीनेम कर लेना, नहीं तो उसके ज़रिए भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, करने के बाद से यहाँ पे आइटम डॉट आईडी मैंने कॉल किया, ठीक है, और मैं वैन का यूज़ कर रहा, आप इफ एल्स चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वैन थोड़ा सा स्ट्रीट मैनेज कर लीजिए, मतलब कि स्विच केस मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ, कोड क्लीन रहता है बस और कुछ नहीं। तो अब आईडी के ज़रिए मैं क्या करूँगा, तो अब मान लो कि मुझे इस बटन वन के आईडी को टारगेट करना है, तो मैंने लिखा बाइंडिंग डॉट बटन वन डॉट आईडी। ठीक है, हमने इसके आईडी को यहाँ पे टारगेट किया और यहाँ पे टोस्ट जनरेट कर दिया बटन वन का। ठीक है, ऐसे ही देखो सब किया। ओके, तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये वाला जो ट्यूटोरियल है समझ में आया होगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप चाहो तो दोबारा देख सकते हो। अगर कोई डाउट है इसको लेके तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप उसमें जाके या फिर कमेंट सेक्शन है उसमें आप कर सकते हो। आपको अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्रोडक्शन लेवल के वीडियोस मैं लेके आता रहूँ, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स आते जब आप कोई प्रोडक्ट बिल्ड करते हो तो उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, आपका कोई भी डाउट होता है कहीं से भी हो आप, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, मैं उसका आंसर आपको देख के बता दूंगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय।